बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और किस में अप्लाई करें, किस यूनिवर्सिटी में फ़ीस स्ट्रक्चर अच्छा है, किस में मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है और कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इन सब क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सोच रहे होते हैं यार हमारा मेरिट कहाँ पे लाई करेगा। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाइक स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, इटीसी, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल से शेयर की जाएगी और आपको मिलेगी जो रियल और हकीकत बेस पे है। तो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, ताकि आपको कोई भी अपडेट हमारी मिस ना हो। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ईसा यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर फाल 2020 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस चीज़ को फॉलो करना है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जा रही जाएंगी विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखेगा और आपको बताया जाएगा कि आप किसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो फोटोस्टेट पे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं या खुद बैठ के अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं, फिर सोचते हैं इसको क्या हाल है, फिर उसको मिड में छोड़ जाते हैं। तो आपको ये बात बता दूं, आपको किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली हमसे होम अप्लाई सर्विस अवेल करें। हम आपको घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान फॉरन और किसी भी जॉब के अंदर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट कोई भी वो बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो ये सामने आपके ऐड है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, बैंक में चालान भी जमा करवाते हैं, टीसीएस करवाते हैं, असाइनमेंट, सीवी, इंटरव्यू, जो भी रिलेटेड हमारी सर्विसेज हैं और जो भी आपको काम करवाना हो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसरा यूनिवर्सिटी पे, तो आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है इसरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे इसरा यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे तो हमारे सामने इसरा का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो टैब दी गई इस पर क्लिक कर देना है, isra.edu.pk पे, तो उसके सामने आपके बाद ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन है ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पोर्टल आ जाएगा, इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। तो आपने इस पर अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो बाजू का स्टूडेंट डायरेक्टली लॉगिन करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पहले लॉगिन किया तो फिर आप यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन करें, वरना आप पहले रजिस्टर करें। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है अपने आपको, जैसे रजिस्टर करें अपना नाम फुल दें और ईमेल अपना दे दें, पासवर्ड को अच्छा सा सेट कर दें ताकि आपको भूल ना पाए। बाजू का स्टूडेंट्स पासवर्ड लगा देते हैं, बाद में भूल जाते हैं, सर ये हो गया वो हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा को इजी सा पासवर्ड लगाएं ताकि आपको भूले भी ना। हैदराबाद प्रेफर्ड कैंपस कौन सा है, हैदराबाद में है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये ठीक है, और रजिस्टर पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं सेव, मैंने अपना पासवर्ड सेव कर लिया। तो उसके बाद वो कह रहे हैं बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज चेक योर ईमेल वेरिफिकेशन, इफ यू डू नॉट रिसीव प्लीज क्लिक हियर फॉर अनदर रिक्वेस्ट। तो मैं अपना गूगल चेक करता हूँ, गूगल ओपन करके अपनी ईमेल चेक करता हूँ, क्या मुझे ईमेल पे ईमेल उनकी आई है कि नहीं आई, वो मैं वहाँ से जाके वेरीफाई करूँगा। जैसे मैं वेरीफाई करता हूँ, आपके सामने मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली मुझे वहाँ पे ले जाएगा। तो ये मेरे सामने वेरीफाई की ईमेल आ गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेरीफाई पे, वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो अब ये सामने आपके ओपन हो चुका है। वो कह रहा है कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म, गेट एनी एडमिट कार्ड बाय कॉरियर, आप दूसरा कॉरियर के जरिए अपना एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है एडिट पे। जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी जो भी है इंस्ट्रक्शन, हमारे सामने इंस्ट्रक्शन हमारी आ जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है वो आ जाएगी, ठीक है। मोहम्मद मुदस्सिर मेरा नाम है, तो मोहम्मद मुदस्सिर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आपने अपने जो नेम की स्पेलिंग है वो करेक्ट ऐड करने, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। जो बाजू का स्टूडेंट्स जल्दी में या फोटोशेट में जाते वहाँ से अप्लाई करवाते हैं, तो बाजू का जल्दी जल्दी में अप्लाई करवा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी मिस्टेक कर बैठते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि ये क्या हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं रजिया प्रवीण ले रहा हूँ, कोई भी है, आप अपने वालदा साहब का नेम दें और सर नेम दें अपना, मैं मुदस्सिर लिख देता हूँ, ठीक है। सर नेम होता है कि मतलब क्या, जैसे जो आपका जैसे मोहम्मद मुदस्सिर है तो मेरा मुदस्सिर सर नेम है, या मोहम्मद मेरा सर नेम है, तो इस तरह एक आपने एक चूज़ कर लेना है। मुदस्सिर जो फर्स्ट नेम होता है वो सर नेम होता है, या सर कुछ लोग मिस्टर को भी कहते हैं, जैसे कि मिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, मिस्टर मेरा है मिस्टर, ठीक है। उसको गार्डियन या जो हैं आपके वो ऐड करें, मैं डॉक्टर ऐड कर देता हूँ, ठीक है,
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है आपने, जो आपकी एक्यूरेट है। आपने वो नहीं ऐड कर देनी, कोई प्रॉब्लम हो या आपको अननोन हो, आपको पता भी ना हो आपने आप कहाँ से पैदा हुए हैं, वो जो आपने सारा कुछ सीबी शब और ये जो है आप वो बता रहे हैं, ज्यारत अदर भी क्लिक कर दें, मेल जेंडर आपका सिंगल है, अदर ब्लड ग्रुप क्या आपका वो बता दें। कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं क्या करना है, तो अंदाजे से दे दें, कोई बात नहीं इसका। मैं वो ये भी पॉजिटिव कर देते हैं, रिलीजन हम कर देते हैं, हमारा इस्लाम है तो हम रिलीजन इस्लाम हम इस पर क्लिक कर देते हैं, गो टू नेक्स्ट पे करते हैं। अब हम गो टू नेक्स्ट पे करते हैं, वो क्या कहता है, गो टू नेक्स्ट पे नेशनैलिटी हमारी, ये सारा कुछ नेशनल आइडेंटिफिकेशन आ गया हमारी, पाकिस्तानी CNIC नंबर भी देते हैं हम, ये CNIC नंबर मैं यहाँ पे अपना चूज़ करता हूँ, ये चलो मैं यहाँ पे अंदाजे पे दे देता हूँ, ठीक है 4982096 5 ये दे देता हूँ। उसके बाद इशू डेट वो मैं देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अदर कहाँ से नेशनलिटी, पाकिस्तानी है, बहावल नगर, ठीक है ये मैं दे देता हूँ, पंजाब बहावल नगर यहाँ से बहावल नगर देख देता हूँ, चलो पाक पतन मैं कर लेता हूँ, पाक पतन मेरे को पड़ता है, ठीक है। और नीचे आ गए हम, और पासपोर्ट नंबर ये हमारा नहीं है, अदर इशू प्लेस, ठीक है ये चीज़ कर लें, आपको एक चूज़ कर लें जो आपके करीब है, मैं बहावल नगर कर लेता हूँ, बहावल नगर चलो आ गया मेरा, ठीक है लिए ये हो गया। उसके बाद एक्सपायरी डेट वो आप ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप गो टू नेक्स्ट पे जाएं, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, ये आप एड्रेस दें यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे BWN कर देता हूँ, मेरा सिटी जो है वो भी मैं ये ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद मैं जो प्रोविंस से है मेरा वो, मैं पंजाब है मेरा वो मैं कर देता हूँ। फ़ोन नंबर मेरा आ गया, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेल नंबर भी मैं यही दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं यही दे देता हूँ, ठीक है। आपने ये अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट सेंटर आ गया, आपको टेस्ट से है वो कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं, जो आपके करीब है मुल्तान, मुल्तान कर लेता हूँ। उसके बाद गो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद BS इलेक्ट्रिकल फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है वो आप करते हैं, BS इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल जो है वो करते हैं। उसके बाद BS ये आपकी जो है वो करते हैं चॉइस आप करने, BS सिविल में कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड चॉइस वो मैं BS मैकेनिकल में कर देता हूँ। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड वो आप बता दें, मैं DPC कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अदर सिटी, ठीक है, सिटी में बहावनगर चूज़ कर लेता हूँ, बहावनगर आ गया। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान हमारा है तो पाकिस्तान में चूज़ करेंगे। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पुट करनी, फ्रॉम ठीक है 2013 टू 2015 में मैंने अपनी वो कंप्लीट की है। उसके बाद गो टू नेक्स्ट, उसके ईयर ऑफ कंप्लीटेशन, कंप्लीटेशन सेकेंडरी वो अपने ऐड कर देना 2017। और उसके बाद बोर्ड आपका कौन सा था, 22 लाहौर। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, और ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद गो टू नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट पे आएंगे और उसके बाद आपके हायर एजुकेशन कमीशन इंटरमीडिएट की पूछ रहे हैं, आप ये करते हैं, ईयर ऑफ कंपटीशन 2017, नेम ऑफ बोर्ड 22 लाहौर, उसके बाद टोटल मार्क्स 1100, और ऑब्टेन मार्क्स आपने वो ऐड कर देना। उसके बाद गो टू नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है हमारी, गो टू नेक्स्ट। उसके बाद ये चूज़ आपने कोई अपना अच्छा सा फ़ोटो चूज़ कर लेना है, ठीक है। वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, मैं अच्छा सा अपना फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ फ़ोटो, ये आ गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको ज़रूरत पड़े, मैं एग्जाम्पल तो एक ये चूज़ कर लेता हूँ, ये आ गया। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करता हूँ मैं, इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड योर फॉर्म विल सेव एंड सबमिट इट, ओके मैं सेव सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद सेव, सेव हो गया मेरे पास सारा कुछ, ठीक है सेव सारा कुछ क्लियर आ गया मेरे पास, ये सारी इंस्ट्रक्शन मेरे पास दी गई हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है। और मैं अब जो चलान पे क्लिक करता हूँ, चलान तो मैंने कोई पे नहीं किया, ठीक है ये मैं अब देखता हूँ। यहाँ पे आके डैशबोर्ड पे हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, यस श्योर पे,
ये सबमिटेड आ गया। उसके बाद ये हमारे पास व्यू आ गया सारा कुछ। उसके बाद व्यू व्यू पे हम चेक करते हैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। और उसके बाद हम बैक पे जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाते हैं हम इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं हमारे पास क्या आता है। उसके बाद कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ड्राफ्ट एडिट योर फॉर्म क्लिकिंग ऑन द एडिट बटन एंड कीप सेविंग इट टाइमली, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू हैव फिल्ड द ऑल रिक्वायर्ड फील्ड सबमिट फॉर्म इफ यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आर वैलिड, ये सारी इंस्ट्रक्शन हमने रीड चेक कर लेनी है। उसके बाद मे यू गेट सम एरर द करेक्ट दैम। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फील्ड एक्सेप्टेड, ये सारा कुछ हमने रीड करके उसके बाद हम चलान को देखते हैं सबमिटेड। सबमिटेड इफ सबमिटेड स्टेटस यू मे नो लॉन्गर एडिट योर डिटेल, द एडमिशन ऑफिस स्टाफ विल चेक योर एप्लीकेशन अप्रूव रिजेक्ट इट, इफ द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड देन स्टेटस विल बी चेंज बाय टू अप्रूव्ड, इफ द एप्लीकेशन रिजेक्टेड देन ये हो जाएगा। उसके बाद आपने द अप्रूव्ड इन अप्रूव यू विल सेंड एडमिट कार्ड एंड प्रोवाइड द कोरियर बाय ट्रैकिंग नंबर। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इशू हो जाएगा एडमिट कार्ड, जो मतलब आपका होगा चलान जिसे हम कहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वो आपने यहाँ पे ट्रैक करके आपने पे कर देना बैंक में, क्योंकि सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे आपके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक हैं, ये सारा कुछ आपका चेक करेंगे। वो करने के बाद आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो, होप्स हो आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जजाकल्ला, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।